रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित मोहल्ला रामबास सैनीपुरा के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसका कारण बरसात के मौसम में नगर परिषद और पार्षद की उदासीनता बताई जा रही है। मोहल्ला वासियों की माने तो मानसून के सीजन में नाले नालियों और सीवर की सफाई नहीं होने के कारण बरसाती नाला और सीवर लाइन जाम है। जल निकासी नहीं होने के कारण गली के अंदर पानी भर जाता है, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गली में स्ट्रीट लाइट जैसी कोई सुविधा भी नहीं है और रात को अंधेरा हो जाता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि गली की सड़क बने कई साल हो गए हैं, जिस कारण बाहर की मुख्य सड़क से लेवल नीचा होने के कारण गली में भरा पानी बाहर नहीं निकल पाता और पूरे दिन यही पानी जमा रहने के कारण गली में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीवर और नाले ओवरफ्लो होने के कारण बैक मारते हैं। गली की सड़क में दूषित पानी भरा रहने के कारण मक्खी मच्छर और बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। वही पानी में गिरकर बुजुर्ग लोग घायल हो जाते हैं। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद और पार्षद पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 साल पहले नगर परिषद चुनाव में इस मोहल्ले से महिला प्रत्याशी चुनाव में खड़ी हुई थी, जिस कारण पार्षद उनके साथ राजनीतिक द्वेष रखता है। उन्होंने कहा कि पार्षद साफ तौर पर यह कहता है कि इस मोहल्ले वालों ने मुझे वोट नहीं दी थी तो मैं यहाँ काम क्यों करवाऊँ। फिलहाल सरकार और प्रशासन से मोहल्ला सैनीपुरा के लोग ने जल समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं इस बारे में जब हमने वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि मोनू राव से बात की तो उन्होंने बताया कि इस गली के टेंडर हो चुके हैं, बरसात की वजह से काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात सीजन खत्म होते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। राजनीतिक द्वेष भावना जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव में इस मोहल्ले से उन्हें काफ़ी वोट मिले थे। नाले की शिकायत में 2-3 बार जो अधिकारी उनको भी कहा, और मेरी कल एक बार आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बाइट थी, मैंने उसमें भी ये वो उठाया था मुद्दा कि भाई मैं कई बार कह चुके हैं शहर के नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण पानी भरता है। जब अभी मेरी एक कोई ठेकेदार जी थे उनसे मेरी बात थी तो उन्होंने कहा कि इसका टेंडर लगा हुआ है, अभी खुला नहीं है इसका टेंडर, और बाकी अंदर का जो मोती चौक की साइड के वो खुला है। अब पूरे सर्कुलर रोड के जितने भी नाले हैं वो सारे ब्लॉक हैं, अधिकारी इस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कल अपने एक्शन साहब थे, यू साहब थे, और ये जो गए हुए थे मार्केट के अंदर, मुझे बड़ा अचंभा हुआ ये सुनते हुए कि वो ये कहते हैं कि हम शहर के सारे काम करा देंगे, जो रोड टूट रहे हमारे पास हम ठीक करा देंगे। मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल है, आप कमेटी के बाहर देख लो, रोड के बाहर तो सॉरी कमेटी के रोड के कमेटी गेट के बाहर ही जब रोड टूट रहा है, जिनको ये नहीं दिख रहा कि रोड टूट रहा है, कमेटी के बाहर ही ये नाले हैं, ये बंद पड़े हैं, ये नहीं दिख रहे इनको, ये कमेटी के आसपास ये चीज़ हैं, और ये न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अधिकारी, और ये बात कहते हैं कि जी हमारे पास कोई शिकायत है कि हम ठीक करा देंगे, हम गड्ढे भरवा देंगे। ये कमेटी के बाहर जो गड्ढे हैं इनको तो भरवाया नहीं जा रहा है इनसे, यहाँ पानी बढ़ता है घुटने तक, ये तो ठीक नहीं हो रहा। रही हुए एक शादी राम बाबू जी गली की जो है वो गली हाउस के अंदर पास हो चुकी है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। अभी आचार संहिता लग रही थी जिस कारण काम नहीं, अब आचार संहिता हटी है, अब काम का प्रोसेस चालू हुआ है, लेकिन अब बरसात आ गई है तो बरसात में रोड का काम नहीं हो सकता। कि ये एक जब इतने साल हो गए तो थोड़ा सब्र, और भी मैं अपने वार्डवासियों से विनती करूँगा थोड़ा समय दें कि ये अभी आपका काम हो जाएगा। अगर उनको इस चीज़ का वो नहीं है कि यकीन कि भाई रोड पास नहीं हुआ, तो मैं उनको हाउस के अंदर जो मेरी जो उनकी गली पास हुई वो मेरे डॉक्यूमेंट प्रूफ मैं उनको दिखा दूँ। मैंने एक बार शुरू के अंदर आज से 2-1 साल पहले मैंने इस रोड को बनवाने के लिए ठेकेदार को मैं यहाँ पे ले आया था, रोड इक्रेशन में डाल दिया था, लेकिन गली में आपसी डिस्प्यूट होने के कारण, झगड़े होने के कारण कोई कह रहा था मेरा मकान नीचे है जी, रोड जिस लेवल के उस के ऊपर बनाओ, कोई कह रहा था ऊंचा बनाओ, तो जो डिस्प्यूट हो गया तो उस टाइम ये रोड नहीं बना था। अब ये सारे एग्री हो गए हैं, हाउस में पास हो चुके वो रोड। लाइट की सुविधा है ना, सीवर की सुविधा है, सीवर भी नीचे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, रोड से 1.5 फुट नीचे है ये गली, और इसमें पानी भर जाता है, ना इसमें लाइट की सुविधा है, ना सुपरवाइजर, ना कोई सफाई वाला कर्मचारी वगैरह कोई नहीं है इस गली में। सर इसमें आप खुद ही देख लो पानी भरा है इसमें, रिपोर्ट करके तो पड़ गया दुनिया के बच्चे पड़ रहे, बच्चे भी गिर जाते हैं, बड़े भी गिर जाते हैं इसमें। हां मोनू राव से काफी बार शिकायत करी है, अप्लीकेशन भी लगाई है हमने कमेटी में इसके लिए, पूनम को चेयरमैन पूनम यादव तो कह रहे कि आप इस गली का 14 वार्ड में पैसे जा चुके इस गली बनने के, रानी क्यों नहीं बनवा रहे, ये तो पार्षद के बोला होगा। नीचे है रोड, ऊंचे है
तो सर ऐसा है कि गंदा पानी है सीवर का, नालों की बिल्कुल सफाई नहीं, बिल्कुल नालों की सफाई नहीं हुई है कई सालों से। बड़े नाले थे पहले, अब छोटी सी नाली बना दी, सारे में पोलोथीन वगैरह सब कुछ भरी हुई है। और सर इसमें यानी कि गली में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं है, बाहर लगा जाते हैं, वेलकम गली में कूड़ा उड़ा जाता है। और सारा सीवर का गंदा पानी आपके सामने है, अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा ये बताओ। और जबकि सबसे ज़्यादा पैसा वार्ड नंबर 14 के अंदर आ रहा है, बारिश की समस्या हमेशा रहती है हमेशा। अब ये जैसे लोगों का पानी आता है आगे से, बारिश आई नहीं है, अरे बारिश में तो भाभी जी आता है, बाकी वैसे भी यानी कि जो है पानी भरा ही रहता है हमेशा, गंदा पानी इन दोनों नालियों में साइड में हमेशा बना रहता है, जिसे आप बेशक से कभी भी आके देख सकते हो। अपना सैनीपुरा मोहल्ला है, नज़दीक सती कॉलोनी के सामने, शिकायत कम से कम भी तो 200 बार कर ली हमारे यहाँ इन्होंने भी, ये अपने इलेक्शन भी हुए थे पार्षद के, इन्होंने ये खड़ी हुई है, वो रिंकू है उनकी माता जी, आप बताओ वो क्या पता है इसकी वजह से कुछ हो रहा हो ऐसा, क्योंकि देखभाल नहीं कर पा रहे पार्षद जी। पार्षद तो मोनू राव है, नरेंद्र मोनू राव एडवोकेट, रानी की ड्यूटी से कटना आता ही नहीं है, बड़ी है।